नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी भुतहा गुड़िया के बारे में जो विवाहित लोगों पर करती है हमला। वास्तव में भूत प्रेत की फिल्में देखने के बाद हम खुद को समझाते हैं कि ऐसा मात्र फिल्मों में होता है, क्योंकि वास्तविकता में होना ऐसा संभव ही नहीं है। असलियत में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जब फिल्मी बातें भी असली लगने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड की रहने वाली डेबी मैरिक के साथ। प्राप्त जानकारी के अनुसार डेबी ने 400 रुपए में एक चाइनीज डॉल खरीदी थी। दुल्हन की ड्रेस पहनी ये डॉल दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन इसे खरीदने के बाद से ही उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसके पति कैमरन के हाथों में चोट के निशान दिखने लगे। पहले तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बाद में डेबी ने दावा किया कि ये सब डॉल की वजह से हो रहा है। उसने बताया कि ये डॉल भूतहा है। इसके बाद डेबी ने इसे ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। डॉल के बेचे जाने के बाद दूसरे मालिक के साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी। डेबी ने ईबे पर इस डॉल को सेल पर डाल दिया, जहां एक ली स्टील की नजर इस पर पड़ गई। उसने डॉल को 70,000 में खरीद लिया। भूतहा डॉल को घर लाकर ली काफी खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। कुछ समय बाद ली के पिता पॉल के ऊपर वैसे ही हमले होने लगे जैसे डेबी के पति पर हो रहे थे। इसके बाद हाथों में कई निशान मौजूद थे। ली के घर में डॉल के आने के बाद कई तरह की घटनाएं घटने लगी थी, जिनमें सामानों का हिलना डुलना, चीजों का टूटना, लाइट्स का खुद जलना बुझना शामिल था। घर से कई तरह की आवाजें सुनाई दी जाने लगी। घर के लोगों की समझ में आ गया कि यह सब इस डॉल के कारण ही हो रहा था। ली की माँ ने उनसे डॉल को बाहर फेंकने को कहा, लेकिन अभी भी ली इस डॉल के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं।